उत्तराखंड में पुलिस टीम पर हुए हमले में घायल हुए पुलिसकर्मियों का मुरादाबाद के कांट रोड स्थित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। आज घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह निजी अस्पताल पहुंचे। जिलाधिकारी के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी निजी अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। बता दें कि खनन माफिया जफर अली का पीछा करते हुए ठाकुरद्वारा थाना पुलिस और एसओजी की टीम उत्तराखंड पहुंच गई थी, जहां पर खनन माफियाओं के द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस हमले में ठाकुरद्वारा थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं इस हमले में एक भाजपा नेता की पत्नी की जान भी चली गई है। खनन माफियाओं द्वारा किए गए इस हमले में घायल हुए पुलिसकर्मियों का मुरादाबाद के कांट रोड स्थित कॉस्मोस अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायल पुलिसकर्मियों का हाल जानने के लिए आज जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया सहित प्रशासनिक अधिकारी निजी अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों का हाल जानने के साथ ही घटना की जानकारी भी ली। द्वारा जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनका हमारे प्रभारी साहब के पास फोन आया था पुलिसा उनको कि जो 50,000 रुपये इनाम है उसकी सूचना मैं चाहिए, वो थोड़ी देर में जसपुर चौराई की तरफ आएगा सफेद गली से। जी उसी सूचना पे हम वहाँ पहुँचे थे। जी तो जैसे हमने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने तुरंत फायरिंग कर दी। जी उसमें जो हमारी टीम में दीपक है, दीपक के बाजू में गोली लगी है। जी उसके बाद आपकी टीम में कितने लोग थे? हम 7 लोग। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम उसका पीछा करते करते, वो आगे आगे गाड़ी थी, हम पीछे पीछे थे, इतना ध्यान नहीं दिया हम लोग उसका पीछा करते हुए चले गए। कौन सी गाड़ी में था वो? वो सर लेटा थी। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग पीछे? हाँ फिर हम उसके पीछे पीछे चले गए। उसके बाद वो एक घर में घुस गया, दो लोग थे वो, दोनों के दोनों ही घर में घुस गए। वहाँ पे जैसे ही हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी तो पता नहीं कहाँ से 20-25 लोग थे, उन्होंने तुरंत लाठी डंडे उठाए, पिस्तौलें थी उनके पास, फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें मेरे साथ की टीम के दो लोगों को गोली लगी है और हमें खूब मारा है। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी? मेरी पूरी कमर और पैर वैर सब बिल्कुल बेकार। जी जी जी। और उसके बाद फिर हमारी जो पिस्तौलें थी, हम 3 लोगों की पिस्तौलें, हम क्योंकि हम वहाँ घिर चुके। जी जी जी। तीनों लोगों की पिस्तौलें छीन लिया। जी पिस्तौलें मोबाइल जो भी था जी वो सब छीन लिया। जी उसके बाद हमें इतना ध्यान नहीं है क्योंकि हम वहाँ बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गए। हाँ उनकी जो वो कह रहे हैं एक महिला की मौत हुई है जो, ये बात तो मुझे आज सुबह मालूम चली है। क्या जो जफर जिसका पीछा कर रहे थे वो वही बुल्लर फार्म हाउस में जो? हाँ वहीं था वो। आप लोग पकड़ पाए थे उसे वहाँ पर? पकड़ नहीं पाए थे लेकिन हाँ वो उन लोगों के पीछे था, मैंने देखा था। आपने देखा था? हाँ। तो उन लोगों ने बचाया? हाँ ये कह सकते हैं सर। और गोली किस किस पर लगी? गोली राहुल को लगी है, शिव कुमार को। कहाँ लगी है? पैर में लगी है सर। राहुल को 2 गोलियाँ लगी थी और शिव कुमार को 1 गोली लगी है। राहुल को 2 गोली? हाँ जैसा मुझे अभी बताया। जी जी जी। हाँ जी। तो उसके बाद फिर आप लोगों को होश कहाँ पे आए? होश सरकारी गाड़ी में थे सर हम।